हिमाचल प्रदेश में फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। संक्रमित विद्यार्थियों का आंकड़ा भी 600 से पार हो गया है। प्रतिदिन प्रदेश में 250 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इसमें 50 से 70 स्कूली विद्यार्थी हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल में फिर से कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट सक्रिय हो गए हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार 10 नवंबर तक निगरानी कर रही है। अगर मामले नहीं घटते हैं तो ठोस निर्णय लिए जाएंगे। वहीं उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रमेश चंद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास पीपी किट्स, सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीजन व अन्य सामग्री उचित मात्रा में उपलब्ध है। निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग जो आने वाली एक्सपेक्टेड थर्ड वेव है उसकी तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं और हर प्रकार का सामान जैसे पीपी किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, जरूरी दवाइयाँ, ऑक्सीजन के सिलेंडर, सभी तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में कर दी गई है। और जैसा कि पिछली वेव में देखा गया था, सेकेंड वेव में पूरे देश में कई चीज़ों के लिए हाहाकार रही, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। सेकेंड वेव भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से निपट गई थी। और अगर केसेस आते हैं, थर्ड वेव आती है, तो इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे पूरे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हर तरह से तैयार है। लगातार की जा रही है पूरे प्रदेश में, हर जिले में निर्देश हैं कि जो सस्पेक्टेड केसेस हैं या कॉन्टैक्ट केसेस हैं उनकी लगातार जो टेस्टिंग की जा रही है। कुछ दिनों से देखा गया है कुछ स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं तो उनका टेस्ट किया जाए, पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट किया जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए ताकि और लोगों को बीमारी ना लगे। और जैसा कि सरकार ने अभी निर्णय लिया हुआ है कि जो दिवाली के आसपास जो त्योहारी सीज़न है, इसमें हफ्ते भर की स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। जिस तरह से कुछ मामले कुछ दिनों से बढ़ रहे थे, तो उम्मीद है आने वाले समय में केसेस काफ़ी कम होंगे।